जनपद मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बीआईटी कॉलेज में नशेड़ी छात्र ने कैंपस में बैठी छात्राओं के साथ की बदसलूकी। नशेड़ी छात्र ने एक छात्रा को मारा तमाचा। तहरीर देने के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। प्रतापपुर क्षेत्र के दिल्ली देहरादून बाईपास स्थित बीआईटी कॉलेज में पढ़ने वाली आधा दर्जन छात्राएं बृहस्पतिवार दोपहर प्रतापपुर थाने पहुंची और आरोप लगाते हुए बताया कि बुधवार दोपहर जब वह कैंपस में अपनी सहपाठी छात्राओं के साथ बैठी थी, तभी कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र हर्ष निवासी घोपला वहां पहुंचा और नशे की हालत में छात्राओं को गंदी गंदी गालियां देने लगा। जब इसका विरोध ईशा तनेजा नाम की छात्रा ने किया तो आरोपी नशेड़ी छात्र ने ईशा तनेजा को सबके सामने तमाचा मार दिया और बाहर निकलकर देख लेने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया, जिसके बाद छात्रों ने कॉलेज प्रशासन सहित प्रतापपुर पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बृहस्पतिवार दोपहर पीड़ित छात्रा आधा दर्जन छात्राओं के साथ थाने पहुंची और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए मेरठ से विशाल सिंगल की रिपोर्ट। बेटा क्या नाम है आपका? तीशा जमीजा। क्या घटना हुई आज? कल हम तीन लड़कियां बैठी थी और पूरे ग्राउंड के सामने एक लड़का आता है ड्रिंक करके, वो हमारे साथ मिसबिहेव करने लगा। इसे गाली दी, इसे धक्का मारा, मैं थप्पड़ मार के चला गया और फिर गायब हो गया। जब हमने कॉलेज में कंप्लेंट की, जो आपने थाने को सूचना दी है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? क्या पुलिस ने जो सूचना दी आपको, पुलिस तो उसने क्या आश्वासन दिया पुलिस ने आपको? पुलिस अभी तक कुछ स्टेप नहीं लिया। कल हमने पूरा दिन वेट किया, इन्होंने फोन तक नहीं किया, अब हम फिर से आए। अच्छा, कल कहा था आपने? कल हाँ बोला था, उसी समय आए थे हम जब ये हमारे साथ घटना घटी थी। तो अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है? नहीं बोल दो। अब हम उसके गाँव जा रहे हैं।